हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। उस क्लास का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ये वाला आप देख रहे हैं। इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 फाइव ऑप्शन है, पांच तरह के होते हैं ये। नॉर्मली ये इमेज एडिटिंग के लिए और इमेज में अनवांटेड पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हटाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सभी के अलग अलग तरह के यूज़ हैं। हर एक टूल से हर एक अलग तरह का वर्क किया जाता है। वो वर्क किस तरह का होता है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले ये टूल देखते हैं हम। हमारा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसको हमने सेलेक्ट किया, या तो हम इसके यहाँ से टच कर कर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जे और शिफ्ट जे के साथ इसको हम चूज़ कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग में जैसे कि मैंने बताया, अभी कोई भी अनवांटेड पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है उसको हटाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये कुछ पार्टिकल हैं जो गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स हैं, और इसको हम चाहते हैं इस इमेज से हम हटा दें। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर हम लाएंगे और ब्रश की तरह इसको कर देंगे ऐसे, ये तरह ब्रश करेंगे इसको और इसको हम रिमूव कर देंगे ऐसे। ये वर्किंग किस तरह से करता है? वर्किंग इस तरह से करता है, जब हम इसको इस तरह हमने इसको मास्क किया या कलर किया, तो ये आसपास की प्रॉपर्टी को कैच कर लेता है। इसकी पीछे प्रॉपर्टी कैच नहीं कर सकता, बस फोटोशॉप इसको जस्ट ऑब्जर्व करता है कि इसके पीछे की प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पर अपियर हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट जो है, जो फ्रंट में दिख रहा है जैसे कि बॉक्स है, वो गायब हो जाता है। देखिएगा, ये सब गायब होते रहते हैं। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ है। इसके थ्रू हम इस तरह की इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल है उसको हटा सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। ये तो ही हट गया है। ठीक है ना दोस्तों, ये हट गया। जो भी स्पॉट होता है इमेज में हम उसको हटा सकते हैं इस थ्रू। जैसे किसी के फेस में पिंपल्स है, कुछ दाने वाने होते हैं, डॉट्स होते हैं फेस में, उस तरह के हम रिमूव कर सकते हैं। ये बच्चे का फेस है, इसमें तो खैर कुछ नहीं है। तो बस इस टूल का यूज़ यही होता है। हम इसको ऊपर होवर करते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हटाना है वो ऑब्जेक्ट इसके आसपास का प्रॉपर्टी को कैच करता है और वहाँ पर फिल कर देता है। सेकंड नंबर है हीलिंग ब्रश टूल। इसका यूज़ हम एक इस तरह से करते हैं, मतलब ऑल्ट ये चूज़ किया, ऑल्ट के साथ हमने इसके आसपास की जिस तरह हमें ब्रश को चलाना है, इस तरह ऑल्ट के साथ हमने इसको अप एंड डाउन कर दिया। अप एंड डाउन चलाना है तो इसी तरह हम उसको ऑल्ट के साथ अप एंड डाउन करके चलाएंगे और इसके इमेज के ऊपर इस तरह से स्मार्टली वर्क करेंगे इसे हटाने के लिए। ये देखिए, और इस तरह से हम कोई कलर कैच करते हैं इस तरह, ये तो इस तरह ही हम इसको इमेज के ऊपर चलाएंगे। जो कलर हमने यहाँ से कैच किया है, जो ऑब्जर्व किया है ऑल्ट प्रेस करने के बाद, उसी तरह चलाएंगे। और इस तरह चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए पैच बनना है ना यहाँ। यहाँ लेते हैं ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस किया और उसको हॉरिजॉन्टली हमने मूव कर दिया और फिर इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसको स्मार्टली वर्क करेंगे इरेज करने के लिए। इसको देखिएगा, ऑब्जेक्ट भी गायब हो रहा है और इमेज गंदी भी नहीं हो रही, बैकग्राउंड आ रहा है साफ क्लीन होकर। ये इस वाले टूल का यूज़ है। क्या नाम है इस टूल का? हीलिंग ब्रश टूल। इससे पहला वाला था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये है हीलिंग ब्रश टूल। अब थर्ड नंबर है पैच टूल। पैच टूल में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे इमेज है, ये भी सब इसी तरह के हैं। हमें अनवांटेड ऑब्जेक्ट हटाने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं।
ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे हम हटाना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए इसके अराउंड हम एक तरह सिलेक्शन बनाएंगे, इसको बत्तख को हटाएंगे, किस तरह से हटाएंगे ये हमने इसके अराउंड सिलेक्शन बना रहे हैं। ये सिलेक्शन बनाया बत्तख की शेप को और सिलेक्शन बन गया। और कुछ नहीं करना, इसी इमेज को टच करके हमें यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। अगर हम यहाँ रखेंगे तो इसकी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर रह जाएगी, जो सिलेक्शन है ये वाला दिख रहा है ना आपको, राइट वाला यहाँ पर मूव का कर्सर दिख रहा, जहाँ पर हम रहेंगे वो प्रॉपर्टी इस बत्तख की जगह पर आ जाएगी। देखिए ये दिख रहा ना जहाँ हम लेके जाएंगे। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो ये प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। देखिए कंट्रोल डी कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी कैच कर लेगा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी ही कैच करता है, ये सारे टूल ये इस तरह वर्क करते हैं। कंट्रोल डी की कर दी, कंट्रोल जी करके देखते हैं एक बार और। अगर हम यहाँ पर लाएंगे इसको तो देखिए ये प्रॉपर्टी कैच कर रहा है इसकी, ये फेस कैच कर रहा है इसका। यहाँ लाएंगे माउंट, ये कैच करके नया फिल कर दिया सिलेक्शन में। ये टेबल लैम्प लैम्प कैच किया और यहाँ पर फिल कर दिया सिलेक्शन में। यहाँ पर भी सिलेक्शन को लेके जाएंगे, वो प्रॉपर्टी इसको ऑब्जर्व कर लेगा और इस सिलेक्शन में फिल कर देगा। ये इस पेज टूल का वर्क है, इस तरह ही वर्क करता है। फोर्थ नंबर है कंटेंट अवेयर मूव टूल। दोस्तों इस टूल का यूज हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए करते हैं। वो किस तरह से करते हैं ये देखिएगा। ये टूल हमने चूज़ किया और इसके अराउंड हमने ये सिलेक्शन बना लिया। हमें इसको यहाँ पर नहीं रखना, कहीं और उसको हम प्लेस करना चाहते हैं तो हम इसको हम ये करेंगे यहाँ पर ला देंगे। बाद में जो कुछ एडिटिंग होती इस तरह से होती, यहाँ पर रखेंगे इसको, एंटर कर देंगे और ये अपना ये हमारे पर यहाँ फिट होकर रह जाएगा। अब इसका सिलेक्शन हम दो तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे एक सिलेक्शन ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं। इस तरह से ये सिलेक्शन लिया हमने, जैसे पहले के टूल्स में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से होता है सब। ये सिलेक्शन लिया और उसके यहाँ को हमने हटा के यहाँ रख दिया। कुछ भी कर समझ लीजिए, बस आपको एक ट्यूटोरियल तौर पर बता रहा हूँ मैं। एंटर किया, ये अपनी जगह पर गायब हो जाएंगे, यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। ये मूव करने के लिए है स्पेशली, देखे ना जो सिलेक्शन बनाया था वो हो गया। यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ लेंगे, ये मूव करने के लिए इसके यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन बनाते हैं इसके अराउंड और उसको मूव कर देते हैं। अगला नंबर है रेड आई टूल। हाँ रेड आई टूल में क्या होता है, जो अपने फोटो क्लिक करते हैं, रात में फोटो क्लिक करते हैं तो कभी कभी देखा होगा आपने आँखों पर लाल लाल से रेड स्पॉट आ जाते हैं, जिस तरह के इसमें दिख रहे हैं इमेज में इस तरह का आ जाते हैं। और इस चीज़ को हम रिमूव करने के लिए हम रेड आई टूल का यूज़ करते हैं। वो चूज़ करते हैं टूल, पपल साइज रहते हैं 50 रखते हैं, डार्कन अमाउंट 50 रखते हैं, इतना ही रहेगा। और इसके हम सिलेक्शन बनाते रहते हैं ये इस तरह से, ये सिलेक्शन बना बना कर इसको हम रेड कलर को ही कैप्चर करता है और उसको डार्क करता है। देखिए छोटे होने के बाद एकदम आगे से फाइन लग रही, रेड कलर कैच कर दे। लिप्स पे कर रहा हूँ तो उस पर भी डार्क कर रहा है। हाँ तो रेड आई के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, ध्यान रखिएगा आप, एकदम बेहतरीन हो गया। दोस्तों ये सारे टूल हो चुके हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पेज टूल, कंटेनर वेयर टूल, रेड आई टूल, ये सारे हो चुके हैं। इस टूल में बस इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सब बखैर।